हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, ये सेवेंथ क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इसका क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ पिछला वीडियो में। ठीक है, ये इसी का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन क्या था मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर देता हूँ फिर से। ये वाटर टैंक है, कोई भी एक वाटर टैंक है जो स्टेप इन साइड, कोई भी एक वाटर टैंक होता है ना, उसके अंदर क्या है, स्टेप है। ऐसा क्या बनाया गया है, स्टेप है। ठीक है, अब मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। और एक मंकी जो है ना, कहां पे बैठा हुआ है, पहला पे, यानी टॉप मतलब इस पे बैठा हुआ है एक मंकी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मंकी बैठा हुआ है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ लेवल, मतलब इसके पास कितना स्टेप है, नाइन्थ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाइन। और यहां पे क्या है तुम्हारा, वाटर लेवल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यहां पे तुम्हारा वाटर लेवल है मतलब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या है, वो यहां पे आके पानी पी लेता है। मैं पहला क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन कर चुका क्या कहता है, कैसे करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन अगर किसी को करना है फर्स्ट पार्ट, वो जाके उसमें देख सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मंकी क्या है, यहाँ पे आके और पानी वो पी लेता है। ठीक है, ये तो यहाँ बोलता है। तो पहला क्वेश्चन में ये यहाँ से यहाँ पे आके क्या करता है मंकी, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मंकी नहीं, अब यहाँ पे वो पानी पी लिया है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, पानी पी लिया, ड्रिंकिंग कर लिया है पानी। पहला क्वेश्चन में यहां से चल के यहां तक आता है पानी पीने के लिए, कैसे आता है, क्या करना है, पहला क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाके देख सकते हो। ठीक है, मंकी का फर्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पानी पी लेता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, मतलब इसको ड्रिंक करने के बाद ये मंकी, ही वांट टू गो बैक, वो वापस जा रहा है। कहां जा रहा है, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, बैक फॉर दिस जंप, मतलब अब क्या कर रहा है, कैसे जा रहा है वो, फॉर दिस, इसके लिए ही जंप फोर स्टेप अप। पहले वो क्या जा रहा है, फोर स्टेप अप जा रहा है, मतलब फोर स्टेप अप मतलब क्या हुआ, वन स्टेप, देखो यहाँ ध्यान से पहले पढ़ो, ही जंप्स फोर स्टेप, मतलब फोर स्टेप को क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ऊपर की तरफ, फोर स्टेप जंप कर रहा है, मतलब वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप, इतना स्टेप क्या कर रहा है, वो जंप कर रहा है। तो किस स्टेप पे जाएगा, वो फिफ्थ स्टेप पे जाएगा, यानी फर्स्ट जंप में वो कहां पे चला जाएगा, फोर्थ स्टेप को वो जंप करके फिफ्थ स्टेप पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो यहां पे, एंड देन जंप बैक टू स्टेप डाउन, और फिर यहां से वो क्या कर रहा है, दो स्टेप डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ जंप कर रहा है, दो स्टेप, दो स्टेप मतलब वन स्टेप, टू स्टेप, तो दो स्टेप जंप करेगा, तब कहां जाएगा, ये सेवेंथ पे आ जाएगा, कहां जाएगा, सेवेंथ पे आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कौन स्टेप हो जाएगा, सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप, सॉरी सेकेंड जंप हो जाएगा, है ना, ये तो ऐसे जंप ही करा ना, तो ये तुम्हारा सेकेंड जंप हो जाएगा। फिर यहां से ये क्या करेगा बोलो, अभी अभी सॉरी अभी ये कहां पे, यहां पे, फिर यहां से ये क्या करेगा बोलो जल्दी, ये तुम्हारा फोर्थ स्टेप जंप मारेगा, फोर्थ स्टेप मतलब वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर्थ स्टेप, इतना स्टेप वो क्या करेगा, जंप मारेगा, तब कहां चला जाएगा, ये थर्ड पे चला जाएगा, अभी कहां है, सेवेंथ पे, तो ये कहां चला जाएगा, थर्ड पे, तो ये कौन जंप हो जाएगा बोलो, ये तुम्हारा थर्ड जंप हो जाएगा, यस या नो, यस। फिर ये क्या इसका प्रोसेस है, फिर ये थर्ड पे आ गया, अब थर्ड से क्या करेगा, दो जंप नीचे जाएगा, बैक जाएगा पीछे की तरफ, यानी वन जंप, टू जंप, कहां पे आ जाएगा, ये फिफ्थ पे आ जाएगा, यस या नो, यस। ये कौन जंप होगा, फोर्थ जंप हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितना जंप है, ये यहां तक आया, फोर्थ जंप पे, तो यहां तक आ गया है। फिर यहां से ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ कितना जंप मारेगा, फोर्थ जंप, यानी वन जंप, टू जंप, थ्री जंप, फोर्थ जंप, है ना, यहां से कितना, वन जंप, टू जंप, थ्री जंप, फोर्थ, ओ सॉरी जंप नहीं, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप अब जंप मारेगा, तो यहां से डायरेक्ट ये कहां चला जाएगा बोलो, टॉप पे चला जाएगा, आ गया ना टॉप पे, तो बोला ये कौन स्टेप, कौन जंप हो जाएगा, फिफ्थ जंप हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन बोला है कि कितने जंप में ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितने जंप में यहाँ पे आ गया, फिफ्थ जंप में, तो यहाँ पे आंसर होगा, हेंस हेंस
नंबर ऑफ जंप इक्वल टू फाइव, कितना फिफ्थ जंप यार, फाइव बोलो या फिफ्थ, नंबर ऑफ जंप इक्वल टू एफ आई एफ टी एच, फिफ्थ जंप मतलब फिफ्थ जंप में ये कहां चला गया बोलो, यहां पे टॉप पे आ गया, ठीक है, सिंपल है ना। यहां पे था पहले वो कितना स्टेप जंप मारता, फोर स्टेप, अगर फोर स्टेप जंप मारेगा तो कहां पहुंचेगा, वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप, इतना स्टेप जंप मारेगा कहां पहुंचेगा, ये फिफ्थ पे पहुंचेगा, ठीक है। फिफ्थ से ये क्या कर रहा है, फिर दो स्टेप नीचे जंप मार रहा है, यानी सेकेंड जंप में ये कहां पे आ जाएगा, सेवन पे आ जाएगा। इसी तरह इसका क्या है, चलने का प्रोसेस है, इसी तरह तुम भी चलते जाओगे तो यहाँ पे तुम कितने स्टेप में पहुंचोगे, फिफ्थ, सॉरी कितने जंप में पहुंचोगे, फिफ्थ जंप में तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसको तुम कॉपी पर ट्राई करोगे तो तुमको बहुत इजी लगेगा, हो सकता है कि पहला टाइम में थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन अगर इसको कॉपी पर प्रैक्टिस करेगा तो बहुत इजी लगेगा, और नीचे का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, अगर यहाँ से थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, चलो ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर दिया। इसका थर्ड एक और क्वेश्चन है, वो मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, ठीक है, थर्ड एक अगला वीडियो में मैं इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अगर अगला तुमको, अगर इसका थर्ड क्वेश्चन समझना है तो तुमको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और इसके पीछे वाला क्वेश्चन तो इसके बैक वीडियो में जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे स्टॉप करते हैं।